ओके सर्वेंद्र, पंजाब नेशनल बैंक एक लार्ज अंडर परफॉर्मर, पिछले 10 साल से शेयर यहीं खड़ा है जहां पर आज का भाव हम देख रहे हैं इसमें। सो 132 पे नई खरीदारी है, 122 पे आ चुका है ये दाम, 10 रुपये पर शेयर घाटा है, क्या करें ये? देखिए यहाँ पे मैं इनको बोलूं कि ये जो जो सेटअप्स हैं, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जहां पे पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ने, जहां पे पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में नए हाई रखे हैं, वहां पे आई थिंक इसने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। तो वैसे भी आई थिंक अगर इनको शिफ्ट होना है, अगर इनको पीएसयू ही रखना था, तो आई थिंक इसमें बेहतर नाम है, स्पेशली टॉप 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 नेम में एसबीआई आएगा। तो आई थिंक यहाँ से एक बार निकल जाए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि करेक्शन यहाँ आएंगे और पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स का भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म टॉप बन गया है। मुझे लगता है कि 7000 वाला इंडेक्स, 7100 वाला इंडेक्स नीचे में 6200-6300 आएगा, तो उस समय आई थिंक अगर यहाँ से निकले रहेंगे तो पैसा फिर मेरे हिसाब से इनको एसबीआई, अगर पीएसयू लेने का ही मन है तो एसबीआई व्हाट इज रिकमेंडेड कि भाई एसबीआई पे ज्यादा ध्यान दें, सबसे अच्छा एसबीआई का सेटअप लग रहा है। करेक्शन में एसबीआई